हेलो विमान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है लेवल टू अल्ट्रासाउंड देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बॉय होगा या गर्ल। तो बेसिकली जो लेवल टू अल्ट्रासाउंड होता है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। लेवल टू अल्ट्रासाउंड आपका 18 टू 20 वीक्स में करवाया जाता है, बिकॉज 20 वीक्स तक आपका जो बेबी है वो एकदम बन चुका होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं। और अगर कोई बच्चा डिसेबल होता है तो माँ के पास ऑप्शन होता है कि वो अबॉर्ट करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी के अबॉर्शन करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद जो है इंडिया में अबॉर्शन करवाना अलाउ नहीं होता, तो ऑन दैट पॉइंट डॉक्टर जो है आपको 18 वीक टू 20 वीक का टाइम देते हैं कि आप लेवल टू अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बच्चों के बॉडी पार्ट्स देखे जाते हैं, बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, बच्चे का ब्रेन स्ट्रक्चर देखा जाता है, बच्चे का जो लाइक हाथ फिंगर्स देखे जाते हैं, टोज देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो देखी जाती है, बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चे की जो लंग्स होते हैं वो भी वर्क, जैसे लंग्स फेफड़े होते हैं, जो किडनी होती है बच्चे की वो भी बनना शुरू हो जाती है। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसको ईजली आप लेवल 5th अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। अब जो मेनली रहता है वो जेंडर प्रेडिक्शन रहता है। जेंडर प्रेडिक्शन बच्चे का इजीली आप कर सकते हो, कर कैसे रखते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको बाकी अल्ट्रासाउंड में देखने को नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। देखो, सबसे पहले जो होता है लेवल 5 का अल्ट्रासाउंड का हार्ट बीट। हार्ट बीट लेवल 5th अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। उस टाइम जो बच्चे की हार्ट बीट आती है उसके थ्रू इजिली असम्पशन लगाई जाती है कि आपके बॉय होगा या गर्ल होगी। ये तो सबको पता होगा, 140 से कम है तो बॉय, 140 से ज़्यादा है तो गर्ल। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, कई कहते हैं हमारी मैम एक बार 156 थी, एक बार 140 से कम आई है, तो इसमें क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है, आप एवरेज लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड में बार बार कम आ रही है और एक दो बार ज़्यादा आ गई है तो कोई इशू नहीं है, वो कम में कहलाएगी। अगर आपकी सिर्फ एक बार कम आई है, तो कभी कभार क्या होता है बच्चा को लेजी हो रहा होता है, बच्चा जो सो रहा होता है उस टाइम बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल होती है। अगर आप अपने एग्जाम्पल लें तो सिंपल सी बात है, अगर आप भाग कर कहीं भी जाएंगे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, अगर आप एक्टिविटी करेंगे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, वहीं अगर आप बैठे रहेंगे लेटे रहेंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो होगी। तो इस चीज़ पे भी देखा जाता है, और बहुत सारी महिलाएं ये चीज़ नोटिस नहीं करती हैं और वो जो है बच्चे की हार्ट बीट पे ज़्यादा मेंशन रहती है। उसके बाद बच्चे का प्लेसेंटा, बच्चे का प्लेसेंटा 5th मंथ के बाद कभी नहीं बदलता। अगर बच्चे का प्लेसेंटा इंटीरियर आ रहा है तो आपके बेबी गर्ल है, प्रोस्टीरियर आ रहा है तो बेबी बॉय है, ये अजम्पशन भी देखी जाती है। और सबसे मेन जो लेवल 2 की है वो मैं आपको बता दूँ, तो देखो सबसे मेन क्या है, बच्चे का पोजीशन। आपको बच्चे की पोजीशन दिख रहा होगा, उसमें ना बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप देखेंगे बच्चे की रीढ़ की हड्डी अगर ऐसे जा रही है तो आपके गर्ल होती है, वहीं अगर थोड़ी सी स्टेटन में जा रही है तो आपके बॉय होता है। इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैंने कितनी सारी रिपोर्ट्स देखी और बॉय की जो थी उसमें रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऐसे, मैं आपको पिक लगा दूंगी तो आपको थोड़ा सा अजम्पशन आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और 4th जो सबसे ज़्यादा मेन है वो बच्चे का हेड पोजीशन होता है। हेड पोजीशन से मेरा मतलब है बच्चे का सर अगर आपको राइट दिखाई देता है, मान लीजिए आपने ऐसे रिपोर्ट पकड़ी है उसमें बच्चे का सर आपको राइट दिखाई इस तरफ दिखाई दे रहा है, सॉरी मेरा राइट है आपका वो लेफ्ट होगा, राइट दिखाई दे रहा तो बॉय होगा, अगर बच्चे का सर आपको लेफ्ट दिखाई देगा तो गर्ल होगी। वो भी आपको मैं पिक लगा दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं जो कम्युनिकेट कर रही होती हूँ वो अपने इस एंगल से कर रही होती हूँ, बट आपने जो रिपोर्ट है वो पकड़ी होती है। आप रिपोर्ट लेके बैठिए, आप रिपोर्ट जो आपका लेफ्ट साइड वाला हाथ होगा उसमें बच्चे का आपको सर दिखाई दे रहा है, उस तरफ पैर आपको राइट दिखा रहे हैं आपकी गर्ल होगी। अगर आपको राइट में बच्चे का सर दिखाई दे रहा है, पैर आपको लेफ्ट में दिखा रहे हैं, आपके बेबी बॉय होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है लेवल 12 तक हमने पता करना। और साथ साथ में ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो 5th मंथ में करवाया जाता है उसमें पता करना। और 5th मंथ में क्या है, बच्चे का स्ट्रक्चर पूरा बनने की वजह से बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें लेग्स क्लियर दिख रहे होते हैं, जो सबसे मेन रहता है लेग्स में बच्चे का, इसलिए आपको बॉडी पार्ट मेंशन होता है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको सब पिक्स में से बच्चे के लेग्स देखने हैं जो कि यू शेप के होंगे, उसके बीच में बच्चे का बॉडी पार्ट मेंशन होगा। अगर आपको वहाँ प्लेन दिखाई दे रहा है तो आपके बेबी गर्ल है, वहीं आपको अगर बॉडी पार्ट नजर आ रहा है जो बॉय का होता है तो आपके बॉय होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है 5th अल्ट्रासाउंड में, मतलब ये तो लगा लो कि
आपको 99% अल्ट्रासाउंड में दिख रहा होगा, और जिस जिस के दिख रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये तरीका बहुत बेस्ट रहता है अगर आपको पता करना है कि आपको जेंडर प्रेडिक्शन में कि बॉय होगा या गर्ल होगी। चलो ये वीडियो यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो भी आपके डाउट थे इस चीज़ से रिलेटेड क्लियर हो ही गए होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।